हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता बागड़ी। और आज मैं अपनी वीडियो में आपको दिखाऊंगी वी हेयर कट कैसे किया जाता है और वी हेयर कट करने के बाद स्टेप कटिंग उसमें कैसे डाली जाती है। तो ये सब आज मैं अपनी वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में बिगनर्स हैं तो आप प्लीज़ ध्यान से मेरी वीडियो को देखना, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ वो बहुत बहुत ज़्यादा आसान तरीके से बनाती हूँ ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरी क्लाइंट है, इन्होंने वी शेप हेयर कट करवाना है। तो यहाँ पे मैंने बालों को गीला कर लिया है। अब मैं प्रॉपर इसमें कॉम करूँगी, क्योंकि कॉम करने से जो भी हमारे बालों में बैंड होता है वो सब निकल जाता है, इसलिए हमें बहुत अच्छे से कॉम को करना पड़ता है। अब मैंने दोनों साइड के एक एक लट को उठाया और बीच में लाकर उसे कट कर दूंगी। तो देखें, यहाँ पे मैंने बालों के दोनों साइड की लटों को कट कर दिया है। ये हमारी एक गाइडलाइन का काम करती है। अब हम वहाँ से तिरछी कैची लेकर आएंगे और लास्ट पॉइंट में लाकर फिर हम ऊपर की तरफ तिरछी ही कैची चलाकर लेकर जाएंगे ताकि वी शेप का आकार बन जाए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पूरा कट कर दिया है। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो आप कंघी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कंघी को लेकर तिरछा रखिए और कटिंग कर दीजिए, वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। मैंने पहले अपनी वीडियो में ये सब दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने वी आकार की कटिंग को कर दिया है। लेकिन बार बार मैं अपनी कटिंग को रीचेक भी करती रहती हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा बाल निकलते ही रहते हैं तो उसको एक शेप देना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो हमारे एक्स्ट्रा बाल होते हैं उनको निकाल के मैंने बाहर निकाल दिया है। और देखिए, हमारी वी कटिंग तैयार हो गई है। अब हम इसमें स्टेप कटिंग को करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्राउन एरिया के बालों को ले लिया है और अब मैं उनको ऊपर ले जाते हुए सुलझाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से बालों को सुलझाना है। और इन बालों को मैंने एक मुट्ठी में ले लिया है और मुट्ठी के चारों तरफ इसे फैला लूंगी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने जो बाल सुलझा रही हूँ, अब मैंने इनको एक मुट्ठी में ले लिया है और मुट्ठी के चारों तरफ मैंने बालों को फैला लिया है। अब मैं कम से कम आधा इंच इसे कट करती जाऊंगी, वो भी बराबर बराबर मुट्ठी के चारों तरफ। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये वाली कटिंग जो स्टेप कटिंग है बहुत ही अच्छे ढंग से प्रॉपर आ जाती है। तो आप भी कभी इसे ज़रूर करके देखिए। तो यहाँ पे मैंने कट कर दिया है और इसे छोड़ दिया है। अब मैं हाफ सर के बालों को लूंगी और उसे वैसे ही ऊपर की तरफ लेकर जाऊंगी और जो हमारे पहले बाल कट थे उनके साथ मिक्स करते हुए जो हमारे एक्स्ट्रा बाल है उनको कट कर देंगे। वैसे ही देखिए, मैंने मुट्ठी में लाके उसे फिर आधा इंच कट कर दिया है। तो देखिए, इस तरह से हमारी स्टेप कटिंग भी आ गई है और वी शेप भी आ गई है। तो ये है मेरा फाइनल लुक। आपको मेरा फाइनल लुक कैसा लगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि आगे भी मैं अपनी वीडियो को ऐसे ही अपलोड करती रहूँ।